साथियों, स्वागत है आपका एच के क्लासेस में। और आज हम करने जा रहे हैं जनवरी के करंट अफेयर। तो साथियों, जो भी क्वेश्चन कराता हूँ वो पिछले एग्ज़ाम में लगभग आ रहे हैं और आने वाले एग्ज़ाम में भी आप ज़रूर इन क्वेश्चन में से देखोगे। ये क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है और साथियों एक आधा लाइक ज़रूर किया करो, इससे मोटिवेशन मिलता है। तो स्टार्ट करते हैं साथियों। हरियाणा स्टेट विजिलेंस ब्यूरो का नाम बदलकर क्या कर दिया गया है? जो हमारा हरियाणा स्टेट विजिलेंस ब्यूरो है उसका नाम बदलकर एंटी करप्शन ब्यूरो कर दिया गया है, ध्यान रखना है। दूसरा है जो ICI वर्ल्ड 19T20 वर्ल्ड कप हुआ है, यानी कि महिला क्रिकेट का जो वर्ल्ड कप हुआ है T20, उसके अंदर खिलाड़ी कौन कौन सी रही हरियाणा से? तो मुख्य खिलाड़ी हमारी शेफाली वर्मा है और वो T20 वर्ल्ड कप की क्या है, कप्तान भी है। और जो कहाँ से है? रोहतक से। वैसे तो तीन खिलाड़ियाँ थी हरियाणा से, जिसके अंदर हमारी शेफाली वर्मा रोहतक से थी और दूसरी श्वेता सरावत है और जो लेग स्पिनर है, और पारसी चोपड़ा है। इन तीनों को क्या मिली है? T20 जो महिला विश्व कप है, वर्ल्ड कप है, उसके अंदर जगह मिली है। लेकिन शेफाली वर्मा मुख्य है क्योंकि वो क्या है, कैप्टन है इसकी। और ये मैच किसके खिलाफ खेला गया था? इंग्लैंड के खिलाफ इन्होंने जीता है। तो ध्यान रखना ये सब बातें, लगभग ये क्वेश्चन आया भी है। तो नेक्स्ट देखिए, मुख्य मंत्री बागवानी बीमा योजना में 2023 में कितनी फसलें शामिल की गई है? यानी कि मुख्यमंत्री हमारी बागवानी योजना है उसके अंदर कितनी फसलें शामिल की गई है? तो 47 फसलें हैं वो शामिल की गई हैं, जिसमें से 21 फसलें इस योजना में हैं, जिसमें से 9 है वो सब्जी की है और 17 है वो फसलें फलों की है। तो 47 फसलें कुल बागवानी मिशन में शामिल की गई है। पिछले 5 साल में हरियाणा में कितनी यूनिवर्सिटियां खोली गई है? यानी कि पिछले 5 साल का डाटा उठाएं तो हमारी 17 यूनिवर्सिटी है वो हरियाणा में खोली गई है। साथियों, किस हरियाणवी ने कप्तानी में भारत के अंडर 19 महिला T20 वर्ल्ड कप जीता है? देखो इंपॉर्टेंट बनता है ये क्वेश्चन, इसलिए दोबारा आ गया। हरियाणा में कप्तान के रूप में कप्तानी करते हुए भारत की अंडर 19 महिला T20 वर्ल्ड कप किसने जीता है? तो वो हमारी कौन है? शर्मिला रानी। तो पढ़ लेते हैं, भारतीय महिला टीम ने फाइनल में इंग्लैंड को 7 विकेट से पराजित किया। यानी कि शर्मिला रानी जो T20 हमारी महिला की क्रिकेट टीम है, उसने इंग्लैंड को 7 विकेट से हराया, अंडर 19 वर्ल्ड का खिताब जीता है। तो ये तो मैंने बता दिया। सीनियर टीम के लिए खेल चुकी हरियाणा की रोहतक की शेफाली, और शेफाली कहाँ से है? रोहतक से है। और इन्हें क्या बनाया गया है? महिला कप्तान बनाया गया है। तो ये सब साथियों आप पहले भी पढ़ चुके हैं। नेक्स्ट है, हरियाणा के किस जिले की सोनिया अंडर 19 महिला T20 वर्ल्ड कप जीतने वाली टीम का हिस्सा रही? तो इसके अलावा सोनिया भी है, वो भी इस क्रिकेट टीम के अंदर खेली है। जो कहाँ से? रोहतक से। शेफाली और सोनिया दोनों के दोनों क्रिकेटर कहाँ से हैं? हमारे रोहतक से हैं। हरियाणा के रोहतक जिले में गाँव ब्राह्मणवास की 18 वर्षीय सोनिया मेदिया अंडर 19 वर्ल्ड कप जीतने वाली महिला टीम का हिस्सा रही। तो ये सोनिया और शेफाली वर्मा दोनों T20 महिला क्रिकेट में खेलने वाली खिलाड़ी हैं। किस हरियाणवी ने 74वें गणतंत्र दिवस पर दक्षिण अफ्रीका की सबसे ऊंची चोटी माउंट किलिमंजारो पर तिरंगा फहराया? यानी कि जो हमारा 74वां हमने गणतंत्र दिवस मनाया है, तो उस पर जो किलिमंजारो है दक्षिण अफ्रीका की चोटी, सबसे ऊंची चोटी है 19,341, इस पर किसने झंडा फहराया? मनदीप ने, जो कहाँ से है? हमारे हिसार से है। ये भी क्वेश्चन आया साथियों। नेक्स्ट हम पढ़ लेते हैं कि लुआसा जल्द ही कितने ज़िलों में हरियाणा पशु विज्ञान केंद्र स्थापित करेगा? जब भी पशु विज्ञान केंद्र की बात आती है तो वो लगभग हिसार में ही है। तो सबसे पहले तो जान लेते हैं कि लुआसा का मतलब क्या है। लुआसा का मतलब है लाला लाजपत राय पशु चिकित्सक एवं विज्ञान। तो लुआसा के जो कुलपति हैं वो डॉक्टर विनोद वर्मा है। तो इन्होंने कहा है कि 3 जगह हम ऐसे पशु पालन केंद्र खोलेंगे, जो ये तीन जगह खोलेंगे, ठीक है साथियों। जो यहाँ दिए हुए हैं, जैसे करनाल हो गया, महेंद्रगढ़ हो गया, और करनाल में इस संस्थान के केंद्र करनाल महेंद्रगढ़ के माध्यम से किसानों को जानकारी दी। और इसके अलावा लुआसा में 3 जगह जो केंद्र है वो खोले जाएंगे, तो भिवानी के, सबसे पहले तो भिवानी के अंदर, फिर कैथल के अंदर, फिर झज्जर के अंदर। यानी कि भिवानी, कैथल और झज्जर के अंदर 3 लुआसा केंद्र खोले जाएंगे। और ये किस से संबंधित है? विज्ञान, पशु विज्ञान से। और इनके कुलपति कौन है? डॉक्टर विनोद, ध्यान रखना है।
गणतंत्र दिवस 2023 पर हिसार की किस पर्वतारोही ने ऑस्ट्रेलिया के सर्वोच्च शिखर पर फतेह की? 2023 के में हिसार की कौन सी पर्वतारोही है जिसने ऑस्ट्रेलिया के शिखर पर की? तो अनु यादव है, और हिसार के जो मंडी यादव पर है वहाँ से यही है। तो ये सब आपको बता दिया है लगभग पर्वतारोही कहाँ से है, हिसार से है। किस जिले में स्थापित आक्सी वन का नाम पंडित जसराज आक्सी वन रखने की घोषणा की गई है? जो अभी अभी हमारे पंडित जसराज जी की मृत्यु हुई है, जो पीली मंदोरी से है, उनके नाम पर कौन से वन का नाम रखा है? तो आक्सी वन जो पंचकुला के आक्सी वन है उनका नाम रखा गया है, यानी कि जसराज के नाम पे आक्सी वन का नाम, आक्सी वन का नाम बदलकर जसराज आक्सी वन कहाँ किया गया? पंचकुला में। तो यहाँ थोड़ा जानकारी ले लेते हैं क्योंकि क्वेश्चन यहाँ से बनता है। हरियाणा के मुख्यमंत्री ने संगीत मार्दंड पंडित जसराज की 93वीं जयंती पर पंचकुला में स्थापित ऑक्सीजन वन का नाम पंडित जसराज रखने की घोषणा की है, कि जो पंचकुला के ऑक्सीजन वन है उनकी नाम पंडित जसराज के नाम पे रख दिया है। और पंडित जसराज कहाँ से है? गाँव पीली मंदोरी जो फतेहाबाद में डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है वहाँ से है, ठीक है। और इनके प्रवेश जो यहाँ पीली मंदोरी के जो गेट हैं उनके ऊपर पंडित जसराज के गेट के सामने ये भी निर्माण करवाए जाएंगे, और पुस्तकालय एवं भवनों का निर्माण भी पंडित जसराज के नाम पे होगा। तो साथियों ये इम्पोर्टेंट बन जाता है। हरियाणा किस जिले में चंद्रू वेल्डन्स की पहली बार अमेरिका व ब्राज़ील से मिलने वाला दुर्लभ गिद्ध देखा गया है? तो गुरुग्राम, ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। हरियाणा के किस जिले की 6.5 वर्षीय सीना चोपड़ा ने माउंट किलिमंजारो पे फतेह की है? यानी कि 6.5 वर्ष की लड़की ने माउंट किलिमंजारो पे फतेह की है, तो वो कहाँ से है? करनाल से है। करनाल जिले के इंद्री में रहने वाली 6.5 साल की सीना चोपड़ा ने अफ्रीका महाद्वीप में सबसे ऊंची चोटी किलिमंजारो पर फतेह हासिल की है। नेक्स्ट पढ़ते हैं। हरियाणा की रिपोर्ट के अनुसार हरियाणा के हर किसान परिवार पर औसतन कितना कर्जा है? तो 1.82 लाख, ध्यान रखना है। हरियाणा राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 का शिक्षा मंत्रालय निर्देश के अनुसार स्कूलों पर इस बार कितने साल से कम उम्र के बच्चों को दाखिला नहीं मिलेगा? यानी कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 की है, तो उसके अनुसार कितने से कम उम्र वालों को? तो 5 साल से कम, पहले तो 6 साल कर दी गई थी, फिर 5.5 साल कर दी गई है इस बार, कि उससे पहले तो आंगनबाड़ी में रहेंगे और जैसे ही 5.5 साल का बच्चा होगा या 5 साल का होगा तो उसको कहाँ एडमिशन दिया जाएगा? सरकारी स्कूल में। तो ये हमारा न्यू एजुकेशन पॉलिसी का रूल है साथियों। किस हरियाणवी ने विश्व में अल्ट्रामैन का खिताब जीता है? अल्ट्रामैन हो या आयरन मैन हो, तो दोनों की ये राहुल तुरुण है। तो जान लेते हैं कि अल्ट्रामैन का खिताब क्या है। कैथल जिले के गांव इसल के 27 वर्षीय राहुल तुरुण ने आयरन मैन का खिताब जीता है। जो राहुल तुरुण कहाँ से हैं? हमारे कैथल से हैं, और अल्ट्रामैन का खिताब जीता है। अल्ट्रामैन क्या होता है कि लगातार 10 किलोमीटर तो तैराकी करता है, 421 किलोमीटर साइकिलिंग चलाता है और 84 किलोमीटर दौड़ इन्होंने पूरी की है 26 घंटे 55 मिनट और 55 सेकंड में। यानी कि जब कोई व्यक्ति 10 किलोमीटर की तैराकी, 421 किलोमीटर की साइकिलिंग और 84 किलोमीटर की दौड़ इतने समय में पूरी करता है तो उसको किसका खिताब मिलता है? अल्ट्रामैन का। तो ये खिताब किसको मिला है? राहुल तुरुण को मिला है। इतने समय में 2 घंटे 55 मिनट और 55 सेकंड में इन्होंने ये रिकॉर्ड बनाया है तैराकी का, दौड़ने का, साइकिलिंग चलाने का। प्रधानमंत्री ने रविवार मन की बात में 98वीं कड़ी में स्वच्छता के कार्य में जुड़े किस गांव के युवाओं को जिक्र किया है? यानी कि मन की बात की कितने सीरियल हो गए हैं, कितनी बार मन की बात कर ली है प्रधानमंत्री जी ने? 98वीं, और 98वीं बार में किससे बात की थी? दुलेड़ी गांव से, ठीक है। तो दुलेड़ी गांव जो भिवाणी में पड़ता है उसके युवाओं से बात की थी। हरियाणा में आर्थिक सर्वेक्षण रिपोर्ट 2022-23 में GSDP में कृषि क्षेत्र में हिस्सेदारी कितनी है? यानी कि सर्वेक्षण रिपोर्ट से 2023 में GSDP में कितना हिस्सा है कृषि का? तो 17.4 है। हरियाणा के मुख्यमंत्री के द्वारा अनुबंध अभिव्यक्ति तथा बोनसाई नहीं बरगद हूमे का लोकार्पण किया, यानी कि ये किताब है कोई अनुबंध, और तो किसका लोकार्पण किया है इसना? किसने लिखी है? शारदा मित्तल ने, लेखिका शारदा मित्तल है, इनकी कृति है और अभिव्यक्ति है ये बोनसाई नहीं बरगद हूमे, ध्यान रखना है। किसने पिस्ते के छिलके पर 10 सिख गुरुओं के रंगीन चित्र बनाए? यानी कि जो हम पिस्ता खाते हैं उसके छिलके पर 10 पिक्चरें बनाई है, तो हमारे वो सरदार जी हैं जतिंदर पाल सिंह जी। तो सूक्ष्म कलाकृति के लिए ये प्रसिद्ध हैं, और इन्होंने
पिस्ते के छिलके हुए 10 गुरुओं के क्या बनाए हैं, तस्वीर बनाई है इनका, एशिया बुक ऑफ रिकॉर्ड और इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में नाम भी दर्ज हुआ है। तो ध्यान रखना है, उत्तर भारत का पहला परमाणु संयंत्र कहाँ स्थित है? तो सभी को पता है भारत का पहला परमाणु संयंत्र कहाँ स्थित है, हमारे गोरखपुर में, जो कि 1400 मेगावाट का है, जिसमें 700 मेगावाट की दो इकाइयाँ लगाई गई है। अंतर्राष्ट्रीय सूर्यकुंड दीपावली मेला कब से कब तक लगेगा? जो अंतर्राष्ट्रीय सूर्यकुंड मेला है हमारा दीपावली का, वो कब लगेगा? 3 से 10 नवंबर। तो लगभग सूर्यकुंड मेले से हमें क्वेश्चन देखने को मिलेंगे और आगे हम इससे क्वेश्चन है वो करेंगे भी। हरियाणा के विधायक को यूके इंडिया अचीवर्स अवार्ड, कौन सा विधायक है जिसको यूके में इंडिया यूके अचीवर अवार्ड मिला है? तो आपको पता है सबसे युवा, कल भी हमने बात की थी, भव्य बिश्नोई है, और भव्य बिश्नोई को ही यूके के अंदर यूके इंडिया अचीवर अवार्ड्स दिया गया है, कुछ खिलाड़ियों को दिए गए। किस हरियाणवी पहलवान ने 3 टन वजनी टाटा 407 को एक पैर से 50 मीटर तक खींचते हुए रिकॉर्ड बनाया? तो किस, वो कौन सा पहलवान है? विजेंद्र सिंह है, और इसने 100 के करीबन ये प्रदर्शन करेगा, शक्ति प्रदर्शन करेगा, और 407 को खींच कर इन्होंने रिकॉर्ड बनाया। तो ये नेक्स्ट देखते हैं, किस राज्य में ऋषभ पंत को बचाने वाले हरियाणा रोडवेज के ड्राइवर कनेक्टर को सम्मानित किया है? तो ऋषभ पंत जो हमारे क्रिकेटर हैं, उनका एक्सीडेंट हो गया था, तो उसको बचाने के लिए कौन सा ड्राइवर कनेक्टर था? तो सुशील और परमजीत थे, जो कि उत्तराखंड से हैं। तो सुशील तो कनेक्टर है, रोडवेज के ड्राइवर सुशील, रोडवेज का जो ड्राइवर था वो सुशील था, और कनेक्टर था परमजीत था, दोनों उत्तराखंड से हैं, और उनको 1-1 लाख रुपये और प्रमाण पत्र दिए गए। ध्यान रखना है, ये भी क्वेश्चन बहुत बार आ रहा है। गणतंत्र दिवस 2023 में हरियाणा की झांकी थीम क्या थी? हमने जो गणतंत्र दिवस मनाया उसकी झांकी थीम क्या थी? अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव, जिसके ऊपर जो मनाया गया, तो हमने गणतंत्र दिवस समारोह की झांकी में अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव मना, और कृष्ण जी की विशाल मूर्ति इसमें दिखाई गई। हरियाणा पुलिस के कितने राष्ट्रीय अधिकारियों को राष्ट्रपति और पुलिस पदक से सम्मानित किया गया? गणतंत्र दिवस हमने 2023 में मनाया, उस पर कितने अधिकारियों और पुलिस अधिकारियों को दिया गया है? तो वो है 14 हमारे। तो ये तो चलो 14 याद रह जाता है, हमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करने जरूरी है। हरियाणा बजट में, ये इसका मतलब इंपॉर्टेंट है साथियों, हरियाणा बजट 2023 में महिला और बाल विकास क्षेत्र के लिए कितना बजट रखा गया है? जो महिला और बाल विकास है उसके क्षेत्र के लिए 2 करोड़ 47 लाख रुपए का बजट रखा गया है, और बाल विकास और महिला के लिए, उत्थान के लिए। हरियाणा बजट में श्रम क्षेत्र में कितना बजट रखा गया है? तो 229, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ये इंपॉर्टेंट माना जाता है। हरियाणा बजट 2023 में कृषि बागवानी पशुपालन मत्स्य पालन, कृषि बागवानी और मत्स्य पालन ये कृषि के अंदर ही आते हैं, इसके लिए कितना लाख है? 8 करोड़ 3 लाख 16 हज़ार रुपये का जो वार्षिक है इसमें बजट रखा गया है। हरियाणा में वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए गौ सेवा आयोग का बजट, ये साथियों एग्जाम में आया था, दोबारा भी आ सकता है, कि जो गौ सेवा है जो गाय के लिए है, वो पहले 40 करोड़ था, लेकिन अब 400 करोड़ इस साल से कर दिया गया है। हरियाणा में वित्तीय वर्ष 2000 के लिए कितना बजट पेश किया गया, ये इम्पोर्टेंट है कि सारा ही बजट कितना था? तो 1,83,950 करोड़ था। ध्यान रखना ये आंकड़ा आज है, 1,83,950 करोड़ टोटल बजट है हमारा हरियाणा का जो दिया गया है। हरियाणा में वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए बुढ़ापा पेंशन, सभी को पता है 250 रुपये बढ़ाए थे दूसरे ने पहली बार, और उसके बाद 2750, हर साल 250 रुपये बढ़ेंगे, तो 2750 कर दिया गया है। कृषि दर्शन एक्सपो 2023 का आयोजन कहाँ होगा? तो पता है कृषि से संबंधित आज हमारी हरियाणा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी भी हिसार में है, जो लगभग केंद्र है हमारा, तो हिसार में होगा। हरियाणा के किस जिले में प्रदेश का पहला खेल हाई परफॉर्मेंस सेंटर खुला है? करनाल में, इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। आगे चलो, हरियाणा के बक्सी राम को किस क्षेत्र में पद्मश्री 2023 के लिए चुना गया? जो बक्सी राम है, वैसे तो इनका ध्यान रखना है, इनको पद्मश्री के लिए चुना गया है, तो गन्ने की किस्में साइंस एंड इंजीनियरिंग के, ये साइंस एंड इंजीनियरिंग के जानकार हैं, तो इनको पद्मश्री से नवाजा गया है, और इन्होंने गन्ने के ऊपर, जो गन्ने की किस्में हैं उनके ऊपर एक्सपेरिमेंट किए हैं। किस हरियाणवी ने अध्यात्म क्षेत्र में पद्मश्री मिलेगा अध्यात्मवाद के? डॉक्टर सुकाया आचार्य को। हरियाणा सरकार ने गन्ने का रेट बढ़ाकर अब कितने प्रति क्विंटल कर दिया, ये भी आया है एग्जाम में, 372, पहले 362 था, और 10 रुपये बढ़ाकर 300
बेहतर कर दिए। सरस्वती महोत्सव 2023 का आयोजन कहाँ किया गया? तो पेवा में सरस्वती, जो हमारी सरस्वती नदी है, उसका आयोजन कहाँ किया गया सरस्वती महोत्सव का? तो पेवा में। और ये ध्यान रखना, हरियाणा सरस्वती धरोहर विकास बोर्ड के अध्यक्ष कौन है? सुमन धुम्मन सिंह किरमच आ सकता है साथियों, क्योंकि सरस्वती नदी का दुबर पुनरुत्थान किया जा रहा है, उस नदी को दोबारा चलाया जाएगा, और उसके अध्यक्ष कौन है, उपाध्यक्ष कौन है? धुम्मन सिंह किरमच। आज़ादी के अमृत महोत्सव के दौरान हरियाणा में स्थानों पर गणतंत्र दिवस समारोह का आयोजन किया गया। तो आज़ादी के महोत्सव को कहाँ कहाँ कितने स्थानों पर मनाया गया? तो 75। गणतंत्र दिवस 2023 के अवसर पर हरियाणा के मुख्यमंत्री ने किस स्थान पर राष्ट्रीय ध्वज फहराया? जो हमारे मुख्यमंत्री है, उन्होंने कहाँ से राष्ट्रीय ध्वज फहराया? तो जगाधरी यमुनानगर से। तो यही है, गणतंत्र दिवस पर जो राज्यपाल थे, उन्होंने कहाँ से जो ध्वज फहराया? तो कुरुक्षेत्र से, जो राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय हैं, उन्होंने कुरुक्षेत्र से। मॉरिसन में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय हिंदी दिवस अध्यक्ष में किस हरियाणवी साहित्यकार को सम्मानित किया गया? शील कौशिक को। इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, जो इम्पोर्टेंट है वो साथियों आपको अच्छी तरह करा देते हैं। यहाँ से आपको इम्पोर्टेंट है, सूरज कुंड मेले से अगर क्वेश्चन आता है तो हरियाणा में 36वें सूरज कुंड अंतर्राष्ट्रीय शिल्प हस्तशिल्प मेले का आयोजन कब से कब तक किया गया? तो 3 फरवरी से 9 फरवरी तक जो सूरज कुंड मेले की शुरुआत की गई है। और इसमें थोड़ा बताया गया कि हरियाणा में फरीदाबाद में सूरज कुंड मेला लगता है, 3 से 19 फरवरी तक लगेगा, और 36वां ये हस्तशिल्प मेला है हमारा भारत के। ये सब बातें दी गई है, तो ये इनके बारे में ये है। यहाँ थोड़ा सा पढ़ लें, हरियाणा के पर्यटन विभाग की ओर से वर्ष 1987 में पहली बार सूरज कुंड मेला लगा था, यानी कि 1987 से शुरू किया, और 2009 में इसमें एक नई चीज़ ऐड की गई कि थीम कंट्री बनाया गया, और मिस्र पार्टनर कंट्री सबसे पहली बार बना। मिस्र था, जो इजिप्ट है मिस्र का, वो पहली बार सूरज कुंड मेले में पार्टनर कंट्री बना था। 36वें सूरज कुंड अंतर्राष्ट्रीय हस्तशिल्प मेले में सहयोग राष्ट्र कौन है? तो इस बार राष्ट्र कौन है हमारा? शंघाई है, जो चीन का है। तो असल मेले में शंघाई है जो हमारा साथ देगा, ठीक है, और 25 देश भाग लेंगे, बस इतना ही है। ये बाकी चीज़ें तो आप जानते हो, सबसे पहला पार्टनर कंट्री ये मैंने बता दिया है। 36वें सूरज कुंड अंतर्राष्ट्रीय हस्तशिल्प मेले में थीम स्टेट ध्यान रखना, तो उत्तर पूर्वी, ये स्टेट, ये जो एरिया है वो है जिसके अंदर भारत के 8 उत्तरी पूर्व राज्य आ जाते हैं, जैसे अरुणाचल प्रदेश, असम, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, ये सब उत्तर पूर्व वाले राज्य हैं, वो थीम स्टेट है हमारे। तो ध्यान रखना है, सूरज कुंड मेले से आएगा तो आपका क्वेश्चन यहाँ से आप हल हो जाएगा। तो देखो, हरियाणा में 30 जून 2000 तक कितने अमृत सरोवरों का निर्माण किया जाएगा? अमृत सरोवर यानी कि जो जल जोहड़ है उनका, तो 2679। कितनी उत्कृष्ट सेवाओं के लिए प्रतिष्ठित प्रेसिडेंसी कलर अवार्ड से सम्मानित किया जाएगा? किसे अपनी उत्कृष्ट सेवाओं के लिए? तो हरियाणा पुलिस है, इम्पोर्टेंट नहीं है इतना। डायल 112 की सेवा, हरियाणा किस स्थान पर रहा? डायल 112 की सेवा है, पुलिस से संबंधित है, तो दूसरे स्थान पे। हरियाणा में पुलिस की काफ़ी टेबल बुक का विमोचन किसने किया? काफ़ी टेबल बुक है हरियाणा पुलिस ने जो लॉन्च किए, तो अमित शाह ने किया इसका। तो नेक्स्ट पढ़ते हैं, किस हरियाणवी को कोलकाता में हुई राष्ट्रीय कॉन्फ्रेंस में अरमिंदर नाथ डॉन पुरस्कार से नवाजा गया है? तो वाणी मल्होत्रा को। हरियाणा व्यापारी कल्याण बोर्ड का चेयरमैन कौन बनाया है? हरियाणा व्यापारी कल्याण बोर्ड के चेयरमैन बाल कृष्ण अग्रवाल बने हैं साथियों, इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। हरियाणा निर्वाचन आयोग द्वारा राज्य स्तरीय मतदाता दिवस 2023 का समारोह किस शहर में किया गया? तो यमुनानगर में। हरियाणा के मुख्यमंत्री का नया OSD किसे नियुक्त किया गया है? OSD आपको ध्यान रखना है, जवाहर यादव को नया किया गया है, ध्यान रखना साथियों, ये इम्पोर्टेंट हो जाता है, दूसरी बार ये नियुक्त हुए हैं। उत्तर भारत का सबसे बड़ा फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट, हाँ ये याद रखना है, फ्लोटिंग पावर प्लांट, उत्तर भारत का सबसे बड़ा फ्लोटिंग तैरता हुआ सोलर प्लांट कहाँ? चंडीगढ़ में, जो झील वगैरह है उसके अंदर सूर्य के जो सोलर सिस्टम है वो लगाया गया है। अपन इसकी कोई ज़रूरत नहीं है साथियों। अमित शाह ने किस जिले की मिल में बनने वाले एथलॉन प्लांट का शिलान्यास किया? तो चरखी दादरी। यहाँ से पूछ रहे हैं, हरियाणा में भूमिहीन दूध उत्पादों के लिए कौन सी स्कीम शुरू की है? तो सांझी डेयरी स्कीम, जो आई भी थी एग्जाम में। शिक्षा विभाग
बच्चों का बौद्धिक स्तर को जांचने के लिए किस ऐप का लॉन्च किया गया है? तो शिक्षा विभाग के क्वेश्चन तो हमें अच्छी तरह करने हैं। तो मेंटर ऐप, मेंटर ऐप के द्वारा ये जाना जाएगा कि बच्चा एडमिशन ले रहा है तो उसकी दिमागी स्तर क्या है, उसका मानसिक स्तर क्या है, वो जांचा जाएगा। हरियाणा के शेफाली वर्मा का वो दिल्ली के कैपिटल्स ने कितने रुपये में खरीदा, जो शेफाली वर्मा हम बार बार जिक्र आ रहे हैं कि T20 जो महिला क्रिकेट है उसकी कप्तान है और इंग्लैंड के खिलाफ जीता है, 7 विकेट से इंग्लैंड को रहा था। तो रोहतक से हैं शेफाली वर्मा और सोनिया दोनों क्रिकेटर, तो इनको खरीदा दिल्ली में जो कैपिटल्स जो टीम है उसने खरीदा 2 करोड़ रुपए में, और सोनीपत की प्रीति को 50 लाख में खरीदा। यहाँ लिखा हुआ है देखो, शेफाली वर्ल्ड कप जीतने वाली अंडर, ये सब आपको पता है, ये सब बातें आपको बता रखी है मैंने, तो ज़्यादा हमें जरूरत जिक्र करने की जरूरत है नहीं है, जो मेन मेन बातें वो करते हैं। अर्जुन और भीम अवार्ड, किस हरियाणा का हाल में ही निधन हो गया, जो अर्जुन अवार्ड भी मिला था भीम अवार्ड, तो साइबर अली हैं, ध्यान रखना है साइबर अली हैं, यमुनानगर के हैं, और इनको भीम और दोनों अवार्ड मिले हैं। 70 साल की उम्र में इनका निधन हो गया है, और डिप्टी कमर्शियल मैनेजर के पद पर थे, ये चीफ कमर्शियल मैनेजर के पद पर थे। और इनको क्यों मिला है, क्योंकि इन्होंने देखो क्या क्या काम किया है। देखो, टोक्यो में 1981 में एथलेटिक्स चैंपियनशिप में डेकाथलोन स्वर्ण जीतने वाले, 1981 में डेकाथलोन में चैंपियनशिप में इन्होंने गोल्ड मेडल जीता था, जब उनको भारत का आयरन मैन भी कहा जाता है साइबर अली को। और रादौर क्षेत्र में अर्जुन भीम अवार्ड, रादौर क्षेत्र जो हमारा यमुनानगर में पड़ता है, एकमात्र ऐसे व्यक्ति हैं जिनको भीम अवार्ड और अर्जुन अवार्ड मिला है। और काठमांडू ढाका में आयोजित भी रजत पदक जीते थे दो। तो ये सब 1981-85 में वर्ल्ड रेलवे मीट में कांस्य पदक जीता है, तो इसीलिए इनको दोनों पुरस्कार अर्जुन और भीम अवार्ड दिए गए। तो ये सब बातें आप थोड़ी सी पढ़ सकते हो अपने लेवल पे, मुख्य बातें मैंने मेन मेन आपको बता दिए। सोनीपत जिले के पर्वतारोही ने माउंट किलिमंजारो पर तिरंगा फहराया, तो मोहित मलिक है। भगवान परशुराम के नाम पर किस जिले में मेडिकल कॉलेज स्थापित किया जा रहा है, तो कैथल में। किस रेल मार्ग पर देश की पहली हाइड्रोजन पावर ट्रेन का संचालन किया जाएगा, ध्यान रखना है हाइड्रोजन यानी कि ग्रीन पावर पे, तो कालका शिमला पे। और 119 वर्ष पुराना कालका शिमला जो हमारा रेल मार्ग है उसके ऊपर हाइड्रोजन ट्रेन है वो चलाई जाएगी। हरियाणा के हिसार जिले के किस वर्ल्ड हेरिटेज साइट खुदाई शुरू की गई है, कहाँ खुदाई दोबारा शुरू कर दी है, तो राखीगढ़ी के अंदर। हरियाणा में कितने जिलों में स्पोर्ट्स अकेडमी है, ये ध्यान रखना है। देखो, हरियाणा जिलों में 14 स्पोर्ट्स अकेडमी है। हरियाणा कितने जिलों में स्पोर्ट्स अकेडमी है, 14 जिलों में स्पोर्ट एक्टिव हैं, लेकिन है अकेडमी कितनी टोटल, और 8 इसमें से क्या है रेजिडेंशियल है। मोटी मोटी बात ध्यान रखनी है साथियों, 14 जिलों में स्पोर्ट्स अकेडमी है, और टोटल कितनी अकेडमियाँ हैं स्पोर्ट्स की, 18 है, और 8 जिलों में रहने योग्य रेजिडेंशियल अकेडमियाँ हैं, और बाकी 6 हमारे 8 जिले रह गए उनमें अकेडमियाँ नहीं है। किस हरियाणवी को विज्ञान और प्रौद्योगिकी संचार के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार दिया जाएगा, तो राकेश अंदानिया को। हरियाणा में कितने PMA स्कूल खोले जाएंगे, तो 286, और कल और भी आंकड़े आपको बता दिए थे। अफ्रीका की 5वीं सबसे ऊंची चोटी माउंट मेरू किस हरियाणवी ने तिरंगा फहराया, तो रोहतास किले जो हिसार से हैं हमारे, उन्होंने सबसे ऊंची चोटी माउंट मेरू पर तिरंगा फहराया था। नेक्स्ट पढ़ते हैं, और तो यही बात थी इनके बारे में, ज़्यादा जानने की जरूरत नहीं है। प्रत्येक वर्ष कल्पना चावला की पुण्यतिथि मनाई जाती है, हमारा पाठ भी है संतोष यादव जो हमारा कल्पना चावला है अंतरिक्ष यात्री है, तो आपको सिर्फ ध्यान रखना है 1 2 3 1 2 3 से आपको याद रह जाएगा। अगर आप याद कर लेते हो 1 2 3 1 2 3 का मतलब पहला महीना दूसरी, और 2003 को इनकी मृत्यु हो गई थी, जो करनाल जिले से हैं इनके नाम पर कल्पना चावला कॉलेज भी बना गया है, जिसके पीछे से नाम भी पहले कोई और नाम था, फिर कल्पना चावला मेडिकल कॉलेज कर दिया गया। और इनका जन्म हुआ था 17 मार्च 1962 में, ध्यान रखना है 17 मार्च 1962 में करनाल जिले में जन्म हुआ था, और 1 1 2 1 2 3 1 2 3 को इनका क्या गया था अंतरिक्ष यात्री, जो कोलंबिया के जो स्पेस शटल से इन्होंने यात्रा की थी उसमें इनकी मृत्यु हो गई थी। दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस वे का पहला फेज हरियाणा में कहाँ से राजस्थान के 2 साल तक शुरू हुआ है, तो सोना से, सोना जो हमारा गुरुग्राम में पड़ता है वहाँ से दिल्ली सबसे बड़ा एक्सप्रेस है उसकी शुरुआत की गई है। AHU हिसार ने अपना कौन सा स्थापना दिवस मनाया, ध्यान रखना है, तो यही बता देता हूँ 54वां स्थापना दिवस मनाया।
ये और चीज़ है, AHV छोड़ो साथी इसको भी, G20 शिखर सम्मेलन के अंतर्गत हरियाणा के किस जिले में एंटी करप्शन वर्किंग ग्रुप की बैठक की गई? तो गुरुग्राम के अंदर G20 की शिखर सम्मेलन की बैठक हुई थी। ऑल इंडिया जूनियर रैंकिंग बैडमिंटन टूर्नामेंट में लड़कियों का खिताब किसने जीता है? तो अनीता हुड्डा ने। किस हरियाणी को वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड इंग्लैंड की संस्था ने सम्मानित किया है? तो डॉक्टर नुपर दमीजा को। और बाकी इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, जो इम्पोर्टेंट है वही कर लो साथियों। ये रहा बता दिया आपको, हरियाणा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी की 54वीं स्थापना दिवस उन्होंने मनाया है, ठीक है। हाँ, सामाजिक प्रगति सूचकांक की रिपोर्ट हरियाणा को देश में सबसे असुरक्षित राज्य में कौन सा माना है? सबसे असुरक्षित राज्य हरियाणा है। पहला खिताब मिला है हरियाणा को कि इसके अंदर सुरक्षा की कमी है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने हरियाणा के किस जिले का दौरा किया? तो गुरुग्राम का। और अब तो ये कुरुक्षेत्र अपने गीता महोत्सव में भी आई थी। भंडावा स्थित बाबा मोहनदास का प्राचीन मंदिर किस जिले में है? तो रेवाड़ी में है साथियों, ये ध्यान रखना है। 20% एथलोन मिश्रण वाले E20 पेट्रोल की शुरुआत किसने की? 20% एथलोन के से मिक्स, तो ये हमारे नरेंद्र मोदी जी ने की है। किस हरियाणी गाय ने 72 किलो दूध देकर अंतर्राष्ट्रीय रिकॉर्ड बनाया? तो गाय रानी है पंजाब की, जिसने इंटरनेशनल रिकॉर्ड बनाया। हरियाणा राज्य आयोग का चेयरमैन नियुक्त किया गया है? तो VS कुंडू को। हरियाणा की पहली महिला ड्रोन पायलट कौन बनी है? तो निशा सोलंकी को ड्रोन की महिला पायलट बनाया गया। 2022 में हरियाणा का कौन सा शहर भारत का दूसरा सर्वाधिक प्रदूषित शहर होगा? सबसे ज़्यादा जो दिल्ली है वो प्रदूषित है, और उसके बाद कौन सा जिला आता है? फरीदाबाद सबसे प्रदूषित जिले के अंदर आता है। तो ये साथियों मैंने सड़क सुरक्षा सप्ताह कब मनाया गया? 11 से 17 जनवरी के बीच। हरियाणा के पहले चरण में कितने जिलों में स्किल इनोवेटिव स्कूल खोले जाएंगे? तो 10 जिलों में। हरियाणा दूरदर्शन केंद्र कहाँ शिफ्ट कर दिया गया, ये क्वेश्चन आया था। तो 15 जनवरी 2023 को चंडीगढ़ में, हमारा जो हिसार में दूरदर्शन केंद्र था वो चंडीगढ़ में शिफ्ट कर दिया गया। किस जिले के गांव रसूलपुर में बनने वाले मेडिकल कॉलेज का नाम शिरोमणि गुरुदास रविदास कॉलेज रखा है? गुरु रविदास, शिरोमणि गुरु रविदास कॉलेज होगा। तो फतेहाबाद में ये बनाया जाएगा साथियों, अभी बना नहीं है, बनेगा आने वाले टाइम में। हरियाणा किस जिले में राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान बनाया जाएगा? तो पंचकुला में। तो ये तो आगे आसान से क्वेश्चन है। हरियाणा के किन शहरों में महिला आश्रम स्थापित किए जाएंगे? रेवाड़ी, हिसार, नारनौल, ध्यान रखना है ये 3 जिले हैं। CMIAK के अनुसार जनवरी 2023 में हरियाणा में बेरोजगारी दर कितनी है? बेरोजगारी दर ध्यान रखनी है 21.1 के साथ। ये बता दिया 15 जनवरी को हमारा दूरदर्शन का केंद्र हिसार से कहाँ चला गया? चंडीगढ़। 75 लाख सूर्य नमस्कार के लिए महाअभियान की शुरुआत किस जिले से हुई है? 75 लाख सूर्य नमस्कार पंचकुला से। तो आगे इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। JJU के नेक बेंगलुरु से गोन से ग्रैंड का सर्टिफिकेट मिला है? JJU को नेक, यानी कि JJU है हमारी यूनिवर्सिटी है, JJU गुरु जम्बेश्वर यूनिवर्सिटी, उसको कौन सा सर्टिफिकेट मिला है? तो A+ ग्रेड का सर्टिफिकेट इसको मिला है। हरियाणा के किन साहित्यकारों को विश्व हिंदी साहित्य रत्न सम्मान 2023 से सम्मानित किया गया? तो सत्यवान सौरभ एवं प्रियंका सौरभ को सम्मानित किया गया। कब तक हरियाणा को खसरा और रूबेला मुक्त कर दिया जाएगा? तो दिसंबर 2023 तक हरियाणा को है खसरा और रूबेला मुक्त कर दिया जाएगा। मुख्यमंत्री उपहार पोर्टल का शुभारंभ किसने किया है? तो अमित अग्रवाल ने किया साथियों। लगभग हमारे क्वेश्चन हो गए हैं, बस साथियों हम इतना ही करेंगे। आगे वही बातें आ गई कि वित्त मंत्री हमारे जो मनोहर लाल खट्टर, वो वित्त मंत्री भी हैं, और उन्होंने चौथा बजट, यानी कि चौथी बार वित्त मंत्री के रूप में इन्होंने बजट पेश किया है। और बजट ये 1,83,950, ये मैंने बता दिया है। वृद्धावर्षन, ये सब चीज़ें आपको एक एक चीज़ मैंने करवा दी है। तो आज की क्लास इतनी रहेगी, लगभग आप इसको कर लो, काफ़ी सफिशेंट मैटर है। टिल देन टेक केयर, थोड़ा सा लाइक कर दे करो मित्रों।